Yes, you guessed it right. We are about to tell you the movie review of Welcome Back. 2007 में आई वेलकम अनीस बज़मी की डायरेक्टेड फिरोज नड़ियादवाला की प्रोड्यूस्ड इस फिल्म का सीक्वल बना और वो रिलीज हुआ है हाल ही में। पिछली कहानी में जहां पर हीरो बन के निकले थे अक्षय कुमार, इस कहानी में वो रोल ले लिया है जॉन अब्राहम ने। लेकिन कहानी बदल चुकी है। पिछली कहानी में जहां नाना पाटेकर और अनिल कपूर भाई थे, इस बार वो दोनों भाई बिजनेसमैन बन चुके हैं। उनकी जिंदगी में दो लड़कियां आती हैं, जिनकी एक सौतेली बहन है श्रुति हसन, और वो उनकी शादी कराने के लिए लग पड़ते हैं लड़का ढूंढने की मेहनत में। फिर एक बार वो शरीफ लड़का ढूंढने निकलते हैं, और कमाल की बात है कि इस बार शरीफ लड़का नहीं मिलता, बल्कि मिल जाते हैं अज्जू भाई यानी जॉन अब्राहम। अब श्रुति हसन को जॉन अब्राहम से बचाने के लिए नाना पाटेकर और अनिल कपूर मदद लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े भाई वांटेड भाई यानी नसीरुद्दीन शाह की। कहानी में बड़े बड़े एक्टर्स हैं, नसीरुद्दीन शाह, डिंपल कपाड़िया, जॉन अब्राहम, परेश रावल, नाना पाटेकर, अनिल कपूर और शाइनी आहूजा भी, ये भी शाइन करते हुए नजर आएंगे स्क्रीन पर। तो फिल्म इज पावर पैक्ड विद सो मच कॉमेडी, विद सो मेनी ह्यूमरस सीन्स। पिछली बार से ज्यादा हंसी आ सकती है इस फिल्म में आपको, अगर आप अपना दिमाग अपने साथ ना ले जाएं। ये फिल्म आपके 100 में से 80 रुपए तो वसूल करवा देगी, खासकर अगर आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो। थिएटर आपका वेलकम बैक करेगा फॉर श्योर। फिल्म के गानों की बात करें तो तूती बोले वेडिंग दी इज द वेरी पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। बाकी गाने एवरेज हैं, इसलिए गानों में आप अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं, वरना आपको ये फिल्म हिलने डुलने नहीं देगी। यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस फिल्म वेलकम बैक।